नमस्कार दोस्तों, हम वेलकम करते हैं हमारे असलम भाई का। असलम भाई हमारे टूर्नामेंट विजेता हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने जितने भी अभी तक वीडियो डाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैसेज मैंने ये दिया है कि जनरली दुकान से ज़्यादा जो समझदार हो, मतलब जो पतंगबाज हो, खुद एक्चुअली शौक रखता हो। और असलम भाई ने एक्चुअली टूर्नामेंट भी जीते हुए हैं काफ़ी सारे, और उन्होंने अभी आप सब लोगों के लिए बेहतरीन शॉप खोली है जयपुर के अंदर में। वैसे बीकानेर के असलम भाई, तो असलम भाई से हम पूछना चाहेंगे कि और कहाँ कहाँ आप शॉप लगाते हैं, कैसा है आपका, बताइए। सर हमारे वैसे तो ये 70 साल पुराना काम है ये। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी दुकान लगती है बीकानेर और दिल्ली के अंदर फिल्मिस्तान और जयपुर के अंदर किशनपुर। जयपुर के अंदर पहले जगतपुरा में, उससे पहले मालवी नगर में, तो वहाँ पर था। लेकिन ना होलसेल का काम मतलब पहले दुकानदारों को देते थे। जी जी। अब यही काम हमने मतलब यहाँ पर खुद का काउंटर किशनपुर पे किया है। अच्छा। जो कंटिन्यू रहेगा परमानेंट। ओके। और ये तीन सीजन हम करते हैं, दिल्ली और बीकानेर और जयपुर, ये तीन सीजन करते हैं। तो बेसिकली आप पूरे इंडिया लेवल पे सबकी डिमांड पूरी करते हो आप? हाँ, देखो 99% कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑल इंडिया में इतनी वेराइटीज है कि मतलब कोई कर नहीं सकता, हम काफी हद तक कर लेते हैं। आपका टूर्नामेंट आपने कब जीता था असलम भाई? एक तो अभी जीता है सर, लास्ट ईयर मतलब 2022 का भी जीता है लेटेस्ट, जिसका मैं मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच और एक सीरीज के साथ रहा था, और उसका फाइनल और कप्तान भी मतलब वैसे मेरे उस्ताद थे ओम सिंह जी। अच्छा। उन्हीं को मानता हूँ कप्तान में, उन्होंने मेरे को बनाया था कप्तान, लेकिन मैं उन्हीं को मानता हूँ, मेरे उस्ताद थे। और उसके बाद में हमारे वाजी जी सामने बैठे हैं जयपुर के, ये भी हमारे। तो ये हमने जो फाइनल राजस्थान वाला जीता था, वो तो हमने 2003 के अंदर जोधपुर के अंदर हुआ था, जिसमें जयपुर की भी कई क्लबें थी, तो उसका फाइनल हमने 2003 में जीता। और अभी जो 2022 का है, इससे पहले 2013-18 मतलब करीबन 10 से 12 बीकानेर के लोकल टूर्नामेंट हमने जीते हैं। बीकानेर के अधिकतर टूर्नामेंट हमारी शक्ति का क्लब जो है हमने जीते हैं। शक्ति काइट क्लब, जिनके हमारे उस्ताद है ओम जी, उनके नाम से पहले ये शक्ति काइट क्लब थी, उसको हमने ओम लगा के ओम शक्ति बना दिया हमारे उस्ताद के ऊपर। ठीक है। सो एक बहुत जरूरी सवाल जो मेरे सारे फॉलोअर्स के साथ में रहता है, जो मेरे को फॉलो करते हैं उनके साथ में रहता है, कि आपके पास मैं जानता हूँ सीजन के हिसाब से दुकान का माल भी अवेलेबल होगा, लेकिन कुछ लोग जो आएंगे वो केवल ये पूछेंगे कि सर टूर्नामेंट में कौन सी डोर लड़ाते हो, अच्छी से अच्छी डोरे कौन से लड़ाते हैं आप, वो उसके बारे में बताइए। सिर्फ तीन ही कारीगर, एक यासीन छुटका, एक जाकिर वारसी और एक अपने इसका मेरा मेन जो है वीर चक्कर साकिर भाई का। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने के कारण वो जो आता है वो उठ जाता है। बाकी सबके ही होते हैं बड़े, मतलब हर कारीगर होते हैं, लेकिन मेन में तीन कारीगरों से ज्यादा विश्वास है। तो अपने को कंफ्यूज भी क्यों करना है लोगों को, जो चीज अच्छी है टॉप मोस्ट क्रीम माल देंगे ना लोगों को, अगर आप अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से अच्छा माल बनवा रहे हैं। साकिर ने अभी जो लास्ट टूर्नामेंट में मैंने शायद वो डोर कटी नहीं मेरी, वीर चक्र जो मैंने बनाई थी, तो सबने कहा कौन सी, एक ही डोर वीर चक्र के अलावा दूसरी उड़ाई नहीं। ठीक है। तो अभी यासीन छुटके की डोर भी हमने पहले कई टूर्नामेंट में लड़ाई है, जाकिर वारसी की भी लड़ाई है, तो इन तीन के अलावा मैं चौथे कारीगर पर विश्वास। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। और दूसरी बात, इनकी रेट जो है वो रीजनेबल रहती है, और लोग 10 ब्लॉक 15 ब्लॉक बना के मतलब ये इससे इनकी क्या रेट रीजनेबल रहती है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि शायद आपको पता होगा, जो शौकीन भाई हैं देख रहे होंगे कि वीर चक्र जो फेमस हुई थी आप यहाँ पे होलसेल के हिसाब से मत आइएगा, बेसिकली सोच के आइएगा, शौकीन काम भी है, सीजन का काम भी है। अब उसने देखो अपने खुद ने अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए खुद के ब्लॉग पे फोटो मेरा डाला उसने, ये देखिए क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बहुत ये साकिर है, जाकिर जिन जाकिर का लड़का साकिर, उसने ब्लॉक ही मतलब 84 का जो बनाया वो मेरे नाम से डाल दिया। जो असलम भाई की देखिए फोटो देखिए आप, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं स्पेशल मांझा बन के आ रहा है आपके पास। साकिर भाई खड़े हैं, साकिर भाई जो अपने वीर चक्र वाले हैं, और बीच में इनके टूर्नामेंट विजेता जो है अपने असलम भाई, इनकी फोटो भी साथ में है। तो असलम भाई अपन एक काम करते हैं, ठीक है, तो अपन थोड़ा बहुत जो आपके स्पेशल मांझा है ना, इसको अपन एक एक करके दिखाते हैं, ताकि अपना जो जो भी जने आएंगे उनको एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज मिले, और हम आप मुझे थोड़ा सा रेट पे भी गाइड कीजिएगा कि किस हिसाब से मिल रहा है। तो बताइए आप, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, आपका फेवरेट मांझा उठाइए आप, जो भी आपको अच्छा लगता है। फेवरेट तो सभी है वैसे, सारे ही है, लेकिन अपन चाहे तो नीचे बैठ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत अगर आप कंफर्टेबल अंदर ऐसे करते हैं। मैदानी में चले या सर मतलब आप मैदानी से शुरू कीजिए आप, है ना, क्योंकि देखो ये है छुटका का 11920। देखिए मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा जैसे आप हाथ में लेके देख रहे हो चरखी अपनी, बहुत उम्दा डोर बनाई हुई है असलम भाई इन्होंने, तो
है ना, ऐसा बिल्कुल वेट के हिसाब से भी लग रहा है कि बहुत मेटल। इन तीन कारीगरों की इसीलिए तारीफ करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये 11900 25 भी है, 26 भी अपने पास सब अवेलेबल है ना। तो अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना चाहते तो असलम भाई से ज़रूर मिलें आके आप लोग। देखिए बहुत अच्छी डोर है और आप आके चेक कर सकते हैं। और ये बनी हुई भी इनकी अभी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये डोर कोरे से पहले की बनी हुई है, तो अच्छा आपको मटेरियल मिल जाएगा इसके हिसाब से। इसमें सारे वैरायटीज़ के अंदर में ये शायद डोर निकल गई है इनकी, लेकिन साल भर पहले की 11920 है। आपको बेहतरीन काम मिलेगा, इसमें आप कोई भी शंका ना रखें। और बताएं, ये है अपनी 26 आज 1925 है, ये 26 है, ये 1925 है शायद, 26 ले रहा। हाँ कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। ये रही 26, कलर बहुत अच्छे लगवाए हैं आपने। अब YKC का आपके पास सारा कलेक्शन जो है अच्छा मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एक से एक बढ़ के। तो अपन ये YKC की बात करें, 11920 किस रेंज में मिल रही है असलम भाई? 11920 सर वो हमारे से वहाँ पर ले रहे हैं 2150 रुपये। हाँ हम यहाँ पर मतलब दुकानदारों को 2200 रुपये और रिटेल में कोई ले रहा है उसको 2300 रुपये। बहुत वाजिब रेट बता रहे हैं एक्चुअली। आप आएँ, अच्छी क्वालिटी लेके जाएं और रेट भी बहुत सही दिखाई हुई आपको। तो YKC का आप स्टॉक आप आराम से ले सकते हैं यहाँ पे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैं कुछ और मांझे दिखाना चाहूँगा। एक मेरे ये फेमस फ्रेंड भी हैं, यूसुफ अहमद, ये उनके बेटे हैं ना इधर के, है ना। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए क्या शानदार डोर लगाई हुई है इन्होंने। एक मिनट पकड़िएगा असलम भाई। रख खुली होती है डोर की, एक देखिए रख खुली हुई डोर है, बेहतरीन काम किया हुआ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये किस रेंज में होगी असलम भाई? सर ये 2300 रुपये हमारे वहाँ से ले रहे हैं हम, वही मतलब 50 रुपये होलसेल से, और अगर कस्टमर रिटेल में तो उससे 100 रुपये ऊपर में, 2400 रुपये। ये हमारे फेमस दोस्त और चगन जी, आशीष जी, ठीक है। सो ये बैठे हुए हैं हिसाब से, तो सब आप समझ सकते हैं, पतंगबाज और साथ में अच्छा सामान सेल करने के हिसाब से भी सब आते हैं असलम भाई के पास में। इट्स वेरी नाइस। ओके सर, कुछ और बताना चाहेंगे आपको? ये आदम खोर इदरीसी का ये रहता है। ये और भी बढ़िया ब्लॉक दिख रहा है मुझे, क्या बढ़िया कलर है देखिए, बहुत ही बड़े ब्लॉक। ये किस रेंज में है असलम भाई? वही 2400 2350। ठीक है, रेट एक ही मतलब क्या है, 50 रुपये ऊपर नीचे, क्योंकि देखिए चरखी का भी फर्क पड़ जाता है कई बार। चरखी सारी स्पेशल लगी होती है, 350 चरखी लगी। जी बाकी हम कोशिश ये करते हैं यही, जैसे बीकानेर रस्सी से रहता तो हम 1600-1700 रुपये कारीगर, तो 50 रुपये ऊपर 1800 रुपये मैदानी डोर अवेलेबल करा देते हैं। अवेलेबल करा देते हैं आप, ठीक है। अच्छे कारीगरों की डोर 1800 रुपये में अवेलेबल। और कौन कौन से ब्लॉक अवेलेबल हैं? ये अतीक रजा खान है, ये तो बहुत अच्छा कलर लगाया हुआ है अतीक ने। यसीन भाई का बंगाली टाइगर लच्छी की बनाता ही है। देखिए ये एक अतीक की काफ़ी अच्छी डोर लगी है मुझे, अतीक गजा के, है ना। ये AK-47 के नाम से ब्लॉग आता है, 123 पे है ये, 123 पे। ये क्या हिसाब से बताया आपने? ये 1850। बहुत बढ़िया कलर, बहुत बढ़िया डोर, मैं देख चुका हूँ, तो आप ये ले जा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी डोर बनी हुई है। और आप बता रहे थे ये बुखार से, हाँ ये मैं देख लिया, ये है ना, ये किसका है? बंगाल टाइगर। हसीन भाई सुभान हमारे कोई मित्र है, उनसे लच्छी पे डोरे बनवाई है मैंने, ये वहाँ पर हम दे रहे हैं 2100 रुपये में, मतलब 2100 के अंदर में। बहुत बहुत बढ़िया लच्छी की डोर 2100 रुपये में। और क्या चाहिए आपको? ये आपने किस रेट में बताया आपने, ये वाला इद्रिस भाई का? ये 2300-2400 रुपये रेंज में, 2300-2400 रुपये का, ठीक है, 50-100 रुपये का फर्क है। अच्छा, और अपने पास में मतलब कुछ मैंने सुना है कि आपके जाकिर वार से भी आते हैं रेगुलर ब्लॉक्स वगैरह? अरे वाह, ये तो बहुत शानदार कलर है आपका, क्या बात है। गंगा जमुना कलर बोलते हैं, गंगा जमुना कलर यही बनाते हैं। बहुत शानदार डोर। ये किस रेंज में है जाकिर वारसी का? ये सर 2300 रुपये, 2300 का है ना, अच्छी डोर है। मतलब देखिए मैं रेट वेरीफाई कर चुका हूँ, बहुत अच्छी रेट के हिसाब से इनका प्लस कलेक्शन है, तो आप ये देखिएगा कलर कितना शानदार। इसमें और कलर्स में मिल जाएंगे इसी तरह? गंगा जमुना सारे कलर इसके सतरंगी ज्यादा चलते हैं, सतरंगी ज्यादा चलते हैं, ब्लैक वो डार्क कलर चलते हैं, डार्क चलिए कलर चलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अपन कुछ 6 रील में भी देख सकते हैं, 6 रील के हिसाब से। 6 रील में ये NRK का है, डबल गुलाब,
एनआरके जिसको पसंद है डबल गुलाब में, ओरिजिनल डोर है, 1-2-3 है, और ये ले सकते हैं। ये 9 रील की क्या, सॉरी 6 रील की, 6 रील की सर 850, बहुत वाजिब रेट 850 में। ये मकसूद, ये बहुत चलता है देखिए, और उनके डोर भी अच्छी बनती है, छतों के हिसाब से तो और भी अच्छी है, ये छतों के हिसाब से है बेसिकली। ये किस हिसाब से मकसूद? यही 850-900 के हिसाब से। बाकी 6 रील के अंदर आपके पास काफ़ी, मैं देख रहा हूँ कलेक्शन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत कलेक्शन है, 8400 भी अपने पास, तलवार डबल ठीक है। सो ये 6-6 रील में आपके पास में अतीका ब्लैक ईगल है अवेलेबल, खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही अच्छा बना के बेचता है, सुल्तानी तलवार ये आप ले सकते हैं। ये अतीका ब्लैक ईगल कितने का है? ये सर ये 1000 रुपए के अंदर, 1000 रुपए के अंदर में। और ये वाला, ये भी 1000 रुपए। तो अपने पास जो रेंज रहेगी 6 रील के अंदर में, वो कब से कितने से स्टार्ट है और कितने तक है? सर 6 रील की लटाई हमारे 250-300 रुपए की, 6 रील की लटाई, वो जो छतों की डोरें होती है ना सर, जो अनुमन जयपुर में 1-2-3 के कब से कितने से स्टार्ट है, जैसे आपने ये बताया 1-2-3 की, ये जो बताया इससे कम नहीं आएगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, 850 है ना, बिल्कुल वाजिब रेट है। देखिए इस टाइम पे 850 में 1-2-3 की डोर मिलना बहुत मुश्किल है 6 रील के अंदर में, तो आप देख सकते हैं। तो ये असलम भाई, ये छतों के हिसाब से आगे क्या जयपुर में नूमन क्या लोग सस्ती मांगते हैं, तो 400 रुपए के अंदर 6 रील देते हैं, 400 के अंदर 6 रील, बहुत बढ़िया। और 3 रील इसी के अंदर देते हैं तो ये 300 रुपए की देते हैं, अनुमन ये लोग ले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर डोर भी कम आती है सर, और ये मतलब कच्ची डोर होती है, समझ ये जो डोर लेते हैं तो मतलब स्पेशल, ये सोना है, ये तो आपका सोना है, ये बाकी अनुमन ये लोग लेते हैं, और लोग पैसे भी इनके 500 ले लेते हैं, इनके 1000-1800 इनके ले लेते हैं, तो इससे अच्छा स्पेशली दो ना उनको। सही कह रहे हैं, सही। मैं इनके पास कलेक्शन देख रहा था पतंगों का, वो भी लाजवाब है, खासतौर से संक्रांति के लिए मझोली एंड ऑल। तो असलम भाई बताएंगे कि ये कौन सी मझोली है, ये बरेली के कहाँ की है? ये सर बरेली की पतंग है। हाँ, ये देखो, और इसको वैसे ढाई वाली बोलते हैं, ढाई वाली बोलते हैं, ढाई वाली अच्छे डिजाइन आएंगे इसमें, 40-50 डिजाइन आता है, बहुत बढ़िया। देखिए 500 रुपये में हम रिटेल दे रहे हैं, 500 रुपये में रिटेल में दे रहे हैं आप, है ना, ठीक है, रिटेल के अंदर 500 में, बहुत बढ़िया डिज़ाइन, शेप सब कुछ बहुत अच्छा है इसमें, आपको शायद डिजाइन वगैरह भी मिल जाएंगे, है ना? डिजाइन सर खूब मिल जाएंगे, डिजाइन खूब मिल जाएंगे, 40 डिजाइन मिल जाएंगे, 30-40 डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये भी बरेली का है? वाह, हाँ भी सर ये भी बरेली का है, ये थोड़ा सा अलग फरमा है, ये 4 रुपए का है, ये 4 रुपए का है, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है ना। और बताएं, ये आजकल ये बहुत लगून, क्या बोलते हैं इसको, लगू बोलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो पसंद करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये 5 रुपए का देते हैं, बट इसका काफ टाटा बहुत अच्छा लगा हुआ है ना, तो ये उड़ने में अच्छी आएगी। हाँ, ये डिजाइन देख के बच्चे पसंद करते हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। ये कितने रेट में है? 5 रुपए के, ठीक है। और बताएंगे, ये बरेली की स्पेशल डीकेसी की पतंग है, ये 130 रुपए की हम कोड़ी दे रहे हैं, 130 रुपए की 20। हाँ, इसको एक बार पकड़ के दिखाएंगे, फरमा चेक करेंगे आप, रॉकेट फरमा है, ये रॉकेट फरमा है ना, बहुत अच्छा है बना हुआ, पतंग भी स्पेशल पतंग है ये। हाँ हाँ, इसकी काम वगैरह सब मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी बनी हुई, सारी पतंग छिली हुई है, सारी पतंग उड़ने में अच्छी आएंगी। ये दिखाइए मुझे, बहुत अच्छी लगी, ये तो उसके हमारे उस्ताद की है, यासीन छुटका, यासीन छुटका जो मंजा बनाते हैं उन्होंने पतंग भी बनाई है, ये टीम के उन्हीं की है, और ये खुद मतलब छिली हुई, मतलब डबल काम छिली हुई बनाते हैं। हाँ ठीक है, आप इसको एक बार दिखाइए, ढंग से दिखाइए आप इसको, देखिए देखिए कितनी बढ़िया पतंग बनी हुई है, काम टड्डे छिले हुए हैं, टीएम के जो YKC का आपने देखा होगा उसका बना हुआ है, देखिए शेप भी कितना अच्छा बना हुआ है। ये अद्दी है, ये किस रेट में है? ये 800 रुपए की, 800 रुपए की ना, ठीक है वाजिब पे। और बताएं थोड़ा सा, ये पौनी है? हाँ जी, ठीक है दिखाएं अपने उदारासी वगैरह की जो पौनी है वो है, देखो ये 300 रुपए की, मतलब पौनी 300 रुपए की 20 हो गई। हाँ जी 300, बहुत वाजिब दाम, इसमें प्लेन डिजाइन, बहुत वाजिब दाम, बहुत वाजिब दाम। और बाहर की पतंग है, देखिए सब लोकल नहीं है, बरेली की है, सब बरेली की पतंग है, अच्छी बनी हुई काफ ठड्डे के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं, है ना, आपको आइडिया लग गया, फिरोज की पतंग है सर, फिरोज की पतंग है, ठीक है ठीक। और कुछ ऑप्शन बताएं आप उसी की, मतलब ये 150 रुपए की कोड़ी अद्दी की होगी, 150 रुपए, 750-750 रुपए हो गया ना, ठीक है बहुत बढ़िया। सीधा एक बार सीधा इसका फरमा दिखा दीजिए एक बार, ये फरमा सर मैं रॉकेट भी, और ये रॉकेट के साथ में गोल भी दिखता है, देखिए इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छे बने हुए, बहुत अच्छे, हर कोड़ी के अंदर 5 डिजाइन होंगे, 5 डिजाइन होंगे, बहुत कोड़ी में 5 अच्छे सुंदर डिजाइन होंगे, बच्चे पसंद करने वाला, और आपने पैक भी कर रखे तो ले आने में दिक्कत नहीं आएगी। और बताएं ये मतलब घुटी हुई, ये घुटी हुई है, ये किस हिसाब से? ये घुटी हुई पतंग है। हाँ सर ये घुटी हुई पतंग है, मतलब थोड़ा थैली के अंदर, थैली के अंदर आपको आइडिया लग गया होगा, लेकिन है ना काफी अच्छे से बना रखा है, प्लेन पतंगे हैं, थैली में पैक्ड है इसलिए आपको लग रहा होगा, बट बहुत अच्छी पतंग है ये भी,
ठीक है ओके। ये किस हिसाब से बताया आपने? 150 रुपीस सर, 150 के 20 है ना, 150 के 20 मतलब वो होलसेल वाली 10-5 पैसों का फर्क रहता है, ये हम कस्टमर को भी उसी रेट में। ठीक है, और ये सुभान भाई जिसका मैं कह रहा था, ये आई गई बरेली से हैं। हां, और अभी इनकी डोर इस सीजन में कैसे सबसे ज्यादा डोर इन्हीं की बेच रहा हूं, जो गलत वाली डोर आपको बताई थी बंगाली टाइगर वो इन्हीं का है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कारीगर आए हुए हैं स्पेशल बरेली से आए थे ये। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी पतंग है आपकी? ये वही फिरोज, ये अद्दी है स्पेशल सिकंदर की है। ये सिकंदर की अद्दी है, देखिए बहुत बढ़िया अद्दी बनी हुई है। खोल के दिखाऊंगा? हाँ, एक खोल के दिखाइए आप, एक खोल के दिखाइए आप। पतंग है सारी लाजवाब है, लेकिन एक मैं खोल के दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए आप खोल के। सॉरी, देखिए कितनी बढ़िया अद्दी है, कितनी बढ़िया अद्दी बनी हुई है, देखिए कितनी बढ़िया। डबल चिली, डबल चिली है ना। सो ये 300 रुपये कौड़ी है, और मैं तो डाउट कर रहा हूँ पानी की तरह नहीं उड़ा दे लोग मैदान में इसको। तो बहुत अच्छी बनी हुई है, तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास में, आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। डेढ़ करनी भी अवेलेबल है, डेढ़ करनी का बहुत बढ़िया पतंग शेप साइज के हिसाब से, तो आप देख छिले हुए काफ्टे के हिसाब से है। ये किस हिसाब से असलम भाई? सर ये 10 रुपए की पतंग बेच रहे हैं, और ज्यादा अवेलेबल ये सिर्फ रिटेल के लिए। रिटेल के लिए हमारे जो राजू जी है ये बनाते हैं, राजू जी बनाते हैं, ये खुद बनाते हैं, तो ये 2-5 महीने पहले बनाते हैं, तो एक दिन में 30-40 पतंग से ऊपर बनती नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास जो पतंग यहाँ पर अवेलेबल है वो 2-4 हज़ार पतंग है, जो सिर्फ हम रिटेल वालों को देंगे। ठीक है, बाकी असलम भाई अपने पास सद्दा वगैरह ये सब, सद्दी जो आती है टून वगैरह सब अवेलेबल रहता है? हाँ, ये दो ही ब्रांड रखते हैं हम, कृष्णा की और वर्धमान की। कृष्णा और वर्धमान, कृष्णा और वर्धमान, और उसकी भी हम क्या ये चरखियाँ जो होती है ना भर के रख देते हैं, तो कस्टमर जब आता है सीधे ही उनको मतलब 150 रुपये चरखी, 50 रुपये चरखी के, या 70 रुपये की जो चरखी है वो सीधे 150, 120, 100 तीन रेट की चरखी बना रखी है। तो देखिए आइए, वेट मत कीजिए, चरखी में भरा भरा ले लीजिए, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप देखिए सब कुछ है इनके पास में कलेक्शन के हिसाब से, बाकी विक्टर भी है, हाई फ्लायर भी है इनके पास में, सब चीज़ें अवेलेबल की सारी वैरायटी होगी, लेकिन दो ज़्यादा हम पसंद, दो ज़्यादा पसंद वर्धमान और कृष्णा। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगी, एक स्पेसिफिक चीज़, मतलब खाली जिसका मतलब आपको ज़रूरत है आप लोगों को, वो आइए वो ले जाइए, कन्फ्यूज नहीं करना है कि 10 ब्रांड है तो उसमें कौन सा मांझा लें, कौन सा सद्दा लें, उसके लिए आपको दिक्कत सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है ना, आपका समय देने के लिए। मैं आया था अपने भाइयों से भी मिलने, हमारे छगन जी, आशीष जी, तो हम सबसे मिलने आए हुए थे, आशीष जी, तो हमारा सौभाग्य सबसे मिले, लेकिन इनकी सेल इतनी है कि उसके बावजूद भी टाइम निकाल के, तो आपको आपको मैं एक बार थोड़ा सा एक बार गोदाम का भी ओवरव्यू दिखा दूंगा। असलम भाई का गोदाम है, गोदाम है जिसमें सब स्पेशल चरखियाँ, YKC का पूरा स्टॉक सब कुछ पड़ा हुआ है, बेहतरीन है ना, तो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप आके ले सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पास सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप इनको यहाँ पे, आप यहाँ पे आके बेफिक्र होके क्वालिटी वाला मटेरियल आप ले सकते हैं। और हम दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे असलम भाई का, थैंक यू सो मच।